बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखते होंगे। जी तो जनाब, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और यहाँ पर हया फातिमा बैठी हुई हैं और मैं कर रही हूँ कुकिंग। बच्चे जो हैं वो स्कूल जा चुके हैं। हया फातिमा बेचारी बोर होती है तो वो बेचारी इस गाड़ी में घूम रही होती है यहाँ से वहाँ, है ना हया फातिमा? यहाँ देखो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ये लो, अस्सलाम वालेकुम करो। हया फातिमा के पैर जो हैं वो पूरे नहीं आते, लेकिन फिर भी वो पुश करके जो है वो चला लेती है गाड़ी, आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि हया फातिमा की छोटी सी हाइट है ना, छोटी सी हया फातिमा है ना। यहाँ देखो पापा कहाँ है, पापा कहाँ गई? आया फातिमा, वेयर इज बाबा? आया फातिमा, मैंने यहाँ पर जो है वो मटर पुलाव बना लिया था, क्योंकि हादी को मटर पुलाव बहुत पसंद है। वो स्कूल से आता तो उसकी यही जिद होती है कि बस चावल बना के रखे, मुझे रोटियाँ नहीं खानी। जनाब ये रूम देखें, बिल्कुल क्लीन साफ, कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले हम लोग इस रूम में सोते थे तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा मैस हुआ होता था, लेकिन अब ये रूम संभलने बंद ही रहेगा। सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो है वो रूम ज़्यादा यूज़ होता है। और हया फातिमा को क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ये देखें जनाब, जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल तो सुबह के वक्त जो है वो बिस्तर का सब, हर किसी के घर का यही हाल होता होगा, सबके घरों में यही हाल होता है। यहाँ पर जो नमाज पढ़ते हैं तो यहीं पर जो है वो जाय नमाज रख देते हैं और फिर यहाँ पर सोने बिस्तर वगैरह सब कुछ जो है वो ऐसे ही फैला हुआ होता है। और यहाँ पर हादिया जो है वो रात के वक्त पढ़ रही थी अपना कुरान का सबक याद कर रही थी, तो उसने अपनी चीज़ें यहीं पर रख दी थी। तो सुबह सारा जो है वो फैला हुआ होता है। ये हया के कपड़े जो सुबह चेंज किए थे वो सब भी यहीं पड़े होते हैं। अब जो है वो मैं रूम की सफाई करूंगी, क्योंकि फिर उसके बाद सोना भी तो है। और जी तो जनाब, रूम सेट हो चुका है और हया फातिमा अब सोने के लिए बेकरार हो रही है, क्योंकि अभी हमारा सोने का टाइम है दोनों माँ और बेटी का। और यहाँ पर मैंने जो है वो जाय नमाज बिछा दी है। जाय नमाज बिछी हो तो हादी फटाफट नमाज पढ़ने लग जाता है, वरना उसे बड़ी सुस्ती होने लगती है। हया फातिमा जो है वो बहुत बेकरार हो रही है सोने के लिए, तो अब मैं हया फातिमा को सुला दूंगी और खुद भी सो जाऊंगी, है ना, क्योंकि ये टाइम हमारा किसी को भी लिफ्ट करवाने का नहीं होता। ये हया फातिमा का मालिश का टाइम है। इस वक्त हया फातिमा जो है वो बहुत सुकून में आ जाती है और इसको बड़ा मज़ा आता है इस वक्त। और हादी जो है वो घर में था तो वो उसकी वीडियो बना रहा था, तो बार बार हादी की तरफ ही देख रही थी, क्योंकि जब भी मैं कैमरा ऑन होता है तो हया फातिमा बस बिल्कुल चुप हो जाती है, कुछ बोलती ही नहीं है। नाक में सर्दी है ना, तो मालिश से पेड़ा। तेल मालिश। इस शर्ट नहीं उतार रही। हया फातिमा, हाँ नाई नाई हो गई, हया फातिमा की नाई नाई हो गई। बस बेटा चलो आ जाओ, सर्दी लग जाएगी, चलो आ जाओ मेरा बेटा, बाहर आ जाओ, बाहर आओ, बाहर आओ। हाँ मम्मा, मम्मा के पास आ जाओ, मम्मा के पास आ जाओ मेरा बेबी। अल्लाह, हाथी को देख के इतना खुश होती हो, हाँ इतना खुश होती हो हाथी को देख के? हमारे पास हाथी तो नहीं है, हमारे पास हादी है, क्योंकि आधा हाथी ही है हादी। अच्छा हादी जो है वो अपना फॉर्म लेकर आया है, ये इसका फॉर्म है कराची स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन सेंटर। हादी को जो है वो एकेडमी में एडमिशन लेना था, तो मैंने उसको उसमें जो है वो एडमिशन दिलवा दिया है, क्योंकि इसे बहुत शौक है क्रिकेट खेलने का, इसलिए जो है वो इंशाल्लाह ताला वो जाएगा नेक्स्ट मंथ से ही जाओगे ना आदि, दिसंबर से? जुम्मे तो जुम्मे को पहली तारीख ही है ना बेटा, जुमेरात को, हाँ दूसरी तारीख से जाएगा हादी। तो अब मुझे उसका पिक एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, बहुत दूर है थोड़ा सा हमारे घर से, तो इस वजह से अब मैं ये फॉर्म फिल करूँगी और फिर हादी जो है वो इंशाल्लाह अकेडमी जाएगा। और ये हादिया आ गई है और हया का रिएक्शन क्या हुआ?
कौन आया है? कौन आया मदरसे से? कौन आया? ये कौन है? ये कौन है? मैंने ले लिया। फातिमा, कौन आया मदरसे से? आप ही आई है? अल्लाह, आपा की दीवानी हो आप तो। बोलो आपा, ले लो, मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका, अकेली अकेली खेल रही हूँ मैं। और जनाब, फिर शाम के वक्त मैंने सोचा कि थोड़ी देर अम्मी के घर पे चक्कर लगा लूँ, क्योंकि फिर लाइट चली जाती है कभी, तो फिर मज़ा नहीं आता घर में, इतना बोरिंग सा लगने लगता है। हालांकि काम बहुत होते हैं करने के, लेकिन कभी कभी काम से भी ना दिल उकता सा जाता है। कभी कभी दिल करता है कि बंदा जो सुकून में रहे। और मैं पता नहीं क्यों अपनी अम्मी के घर जाती हूँ, शादी के 12 साल बाद भी, अब भी मैं जब भी अम्मी के घर जाती हूँ तो मुझे सुकून सा फील होता है। बहुत सी यादें जो ताज़ा हो जाती हैं कि मतलब मैं वैसे पहले कैसे रहा करती थी, और बच्चों के साथ इंजॉय करना, बच्चों को बताना हर चीज़ कि यहाँ हम ऐसे करते थे, हम ऐसे रहते थे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पर हया फातिमा जो है वो खेल रही थी, और हादिया मैडम उसके पास ही बैठी हुई थी। हादिया भी मदरसे से यहीं आ गई थी अम्मी के घर की तरफ। बोलो बुच्चा कम, हाँ कम, बोलो बुच्चा कम। वेरी गुड, हाई फाई करो। बुच्चा का भूर भूर ही निकालती है खाली। वेयर इज मामा? आ गया। फातिमा, वेयर इज मामा? ये बुला रहे मम्मी, मम्मी बुला रहे। वेयर इज मामा? मामा, मामा आ गए। अच्छा, आपा, आपा बोलो तो, आपा, 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 बाबा, पापा। कैमरे में क्यों नहीं बोलती हो? है आप ही का भी चाहिए, आप ही भी चाहिए। चलो आओ। और जनाब, मैं आई थी किचन में मिर्ची लेने के लिए, क्योंकि अम्मी ने कहा कि इतने मीठे अमरूद हैं, तुम खाओ, अच्छे लगेंगे तुम्हें। तो मैंने कहा, मैं पहले अमरूदों को मैंने अच्छी तरह से काटा। मैंने कहा, अब बच्चे भी नहीं थे, बच्चे जो है वो घर चले गए थे, हस्बैंड आ गए थे, तो बच्चों ने कहा कि हम घर जा रहे हैं, तो बच्चे घर चले गए थे, और मैंने जो है वो अमरूदों को अच्छी तरीके से काट कूट के फिर मैंने बाई वाली मिर्ची, जिसे हम कहते हैं, ये मिर्ची ना मेरी जो खाला है ना, बाई, हाँ खाला है, वो बनाती हैं ये मिर्ची, क्योंकि उनके ससुर जो हैं वो ये सारी चीज़ें वगैरह बेचा करते थे, तो उनका फार्मूला है जो बाई के पास है, और हर साल सर्दियों में बाई ना ये मिर्ची बना के देती है। मेरी ख़त्म हो गई थी मिर्ची, तो मैंने जो है वो अम्मी से कहा कि आप मुझे इसमें से दे दें, आपके यहाँ तो कोई खाता नहीं है, और हमारे यहाँ पर तो अब अमरूद और ऑरेंजेस वगैरह आएंगे, सर्दियाँ आ गई हैं, क्योंकि फैसल को भी बहुत पसंद है तो ये वाली मिर्ची, तो मैंने कहा आप ये मुझे दे दें, इस दफ़ा बाई से मैं थोड़े दिनों बाद बनवाऊँगी, अभी तो फ़िलहाल मुझे चाहिए ये वाली। तो मैंने इस पे खूब मिर्च मसाला लगा के, और ये वाली मिर्ची जो है वो बहुत अच्छी लगती है, सबको पसंद है, हमारे यहाँ पे तकरीबन सभी बनवाते हैं। फिर जनाब, घर पर आ गई उसके बाद मैं, तो मैंने कहा चलो भाई, मी टाइम ख़त्म हो गया, जो थोड़ा सा टाइम अपने लिए मिला था वो ख़त्म हुआ, घर पे आके कुछ ना कुछ करना ही है। तो मैंने झटपट जो है वो सब्ज़ी का सालन मुझे बनाना था, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, ये मेरी डिश है। अब लोग कहेंगे सब्ज़ी का सालन उसमें प्याज कुछ समझ नहीं आया, तो भाई पहले मैंने जो है वो आपको ये थोड़ी सी रेसिपी इसकी शेयर कर देती हूँ। मैंने प्याज जो है वो पहले सौते कर ली थी लेमन में, और फिर मैंने यहाँ पर ये डीप फ्रोस्ट जो है वो, मैं आपको बताया कि मैं जो है वो डीप फ्रीज़र में रखती हूँ टमाटर को, तो डीप फ्रोस्ट जो है वो टमाटर थे, मैंने उसके पीलो सारे उतार दिए थे, और उसके बाद जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, तो बहुत इजी रहता है, बर्फ़ वाले होते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो कट भी हो जाते हैं। फिर मैंने जो प्याज है उसमें जो है वो ये टमाटर डाल दिए थे, और ये देखिए ये मटर ना, मेरी आदत है, अब जब जैसे ही मटर का सीज़न आता है ना, हालांकि अभी भी बहुत महंगे हैं, सीज़न तो सीज़न के होते हुए भी इतने महंगे हैं, तो मैं मटर जो है वो जमा करती रहती हूँ। तो मैंने मटर जो है वो आधे निकाल लिए थे, आधे रख दिए थे कि किसी और चीज़ में काम आ जाएंगे, और दूसरे दूसरे जैसे जैसे आते जाएंगे तो मैं उसको छील छील के डब्बे में जो है वो रखती रहूँगी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जमा करती रहती हूँ मटर को, क्योंकि सस्ते तो नहीं है, है तो वही जो रेट होना चाहिए वो रेट तो है नहीं, है तो महंगे ही, लेकिन फिर भी मैं जमा करके रखती हूँ, क्योंकि अचानक से हादी का कभी दिल हो जाए मटर चावल खाने का, कुछ ना हो बनाने को तो बंदा बना लेता है मटर हो तो। तो फिर मैंने इसमें प्याज टमाटर जो है वो तेल में अच्छी तरह से उसको भूना था मैंने, ताकि जो इसका अरूमा है कोई अच्छा सा बन जाए।
फिर मटर जो है वो मैंने अलग से उस पानी में जो है वो निकाल लिए थे, क्योंकि उसमें जो है वो मुझे आलू भी काट के रखने थे। और ये देखें, ये इसमें मैंने अच्छी तरीके से भूने थे। ये बीच का ये देख रहे हैं आप, ये बीच में इसलिए ब्राउन ब्राउन हो गया है क्योंकि गैस नहीं आती, और गैस के जो चूल्हे होते हैं ना, मुझे बिल्कुल क्लियर हटा के उसको जो है वो गैस खींच खींच के निकालनी पड़ती है। तो इस वजह से वो बीच का जितना भी हिस्सा है ना, वो पतीला जो है वो काला हो जाता है। तो मैंने आलू जो है वो छील लिए थे। और ये देखें जनाब, ये जो है वो अम्मी मेरी जो सांस है उन्होंने बना के भेजी थी। ये ग्रीन वाली चटनी मेरे घर में बहुत शौक से खाई जाती है। अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो अब तो गाजर की वो जो पतली पतली होती हैं वो भी आपसे शेयर करूँगी, चीरे कहते हैं हम लोग, वो भी शेयर करूँगी। और ये देखें इसका मसाला, और ये ग्रीन वाली चटनी अम्मी ने बना के भेजी थी और मेरी सांस ने भी बना के भेजी थी, दोनों ने बना के भेजी। तो अम्मी वाली ख़त्म हो गई, तो फिर मैंने डीप फ्रीज़र से सांस वाली जो है वो निकाल ली थी। और ये जो है वो मैंने इसमें मटर और आलू भी डाल दिए हैं, और जो हमारे घर के चार मसाले होते हैं, पहले मैंने सौते की प्याज, उसमें मैंने डाले टमाटर, फिर मैंने इसमें मटर और आलू डाल दिए। और इसमें जो है वो मैंने चार मसाले हमारे जो घर के होते हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटा पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया, बस ये जो चार मसाले हमारे होते हैं नमक के साथ, वो मैंने डाल दिए थे इसको। और उसको मैंने अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया था। कभी कभी मेरा दिल होता है तो फिर मैं इसमें टिक्का मसाला भी डाल देती हूँ, फिर वो चार मसाले नहीं डालती, सिर्फ टिक्का मसाला डाल देती हूँ, तो उसमें ही काफ़ी अच्छा अरोमा उसका बन जाता है। मसाले डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया था, ज़रा सा पानी डाल के, ताकि जो अच्छी तरीके से ना वो भून जाए। और फिर जनाब उसके बाद मैंने काटे थे टमाटर और मिर्चें, शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च और एक टमाटर मैंने, सॉरी गाजर और शिमला मिर्च, गाजर और शिमला मिर्च मैंने जो है वो काट ली थी। फिर मैंने एंड में वो ऐड कर दी और ढक्कन को कर दिया बंद, झटपट सब्ज़ी तैयार। अगर कभी आप कहीं जाएँ ना, तो बस ये याद रखेंगे, अगर घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है तो फटाफट से ये बन जाएगी, ज़रा भी देर नहीं लगती। और भाई मुझे लगा था मैं लेट हो गई अम्मी के घर से आने से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फटाफट जो है वो बन गई थी, और मैंने जल्दी जल्दी हस्बैंड के आने से पहले जो है वो बना भी ली थी। और बहुत मज़े की बनती है, मेरे घर में तो ये बहुत शौक से खाई जाती है। मैं इसमें ना बोनलेस चिकन भी डालती हूँ, प्याज के बाद बोनलेस चिकन भी डालती हूँ, लेकिन उस वक्त अवेलेबल नहीं थी तो मैंने फटाफट ये डाल दिया। आदि आपको पसंद है ये वाली सब्ज़ी? हाँ सच में है, बहुत पसंद है, बहुत भी नहीं बहुत कम। अच्छा अभी देखते हैं ना, चिकन आज नहीं डाली ना बेटा, मैंने चिकन आज नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। और आपको पता है अपन नानी घर गए थे तो फिर मुझे जल्दी जल्दी आना था और पकाना था। चलिए जनाब इसी के साथ ही आज का व्लॉग करते हैं एंड। हरी आप कुछ कहना चाहोगे? पॉइंट ऑयल नहीं कहना है। इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।